8 अक्टूबर के जलजिले को 13 बरस बीत गए। ऐसी ही सूरत हाल है आजाद कश्मीर में, जहां जलजिले से मुतासर इलाकों की तामीर नौ के लिए 38 अरब दरकार है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे औरंगजेब जराल से। औरंगजेब, यहां सूरत हाल क्या है? 8 अक्टूबर 2005 की 13वीं बरसी के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर भारत का सिलसिला जारी है। मरकजी तकरीब जो है वो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्किद की गई, जिसमें वज़ीर हुकूमत मिस्टर इफ्तिखार गिलानी और दीगर वज़रा और सेक्रेटरी हजरात ने शिरकत की। शोदा की जो यादगार है उसके ऊपर जो है वो मेहमान खुसूसी ने फूल चढ़ाए और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की गई। एक मिनट की खामोशी शोदा की याद में जो है वो अख्तियार की गई। आज ही के दिन जो है वो आज़ाद कश्मीर के 5 अज़ला में आने वाले जलजले के बाद जो है वो तकरीबन 50,000 शहादतें हुई थी और तकरीबन 210 अरब के जो मंसूबे जो है वो प्लान किए गए थे, जिनमें से 7,500 मंसूबे में से अब तक जो है वो 5,500 मंसूबे जो हैं वो तकमील हो चुके हुए हैं और तकरीबन 2,200 से ज्यादा मंसूबे अभी तक जो है जिन पर काम का आगाज़ नहीं हो सका। इसी तरह जो स्कूल सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे, 2,800 स्कूलों में से 1,400 स्कूल जो हैं वो बन चुके हैं, लेकिन बहुत से स्कूल जो हैं वो अभी तक जो है वो नहीं बन पाए, जिसकी वजह से 2,00,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं खुले आसमान तले जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो इस वक्त सेरा हुकाम का ये कहना है कि जो वफाकी हुकूमत ने बजट देना था तामीरों के हवाले से वो नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकती है। जी।